हेलो, गुड आफ्टरनून टू ऑल। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। मिनट के लगे, 2 मिनट रिस्टार्ट कहते हैं। ओके सर। सेफ सर हेलो, वॉइस आ रही है? हेलो, यस सर। ओके। स्टार्ट कहते हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं चैनदुल। ठीक है, क्या देखते हैं कैसा क्या होता है चैनदुल। देखिए इसमें है, जैसे हमारे पास में डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स है, इसको हम एक और दूसरे फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे कि हमारे पास हो गया डी वाई डिवाइड बाई डी टी इंटू डी टी डिवाइड बाई डी एक्स, मतलब कि डी टी को मल्टीप्लाई किए और डिवाइड किए। तो अगर इसको अलग कटाते हैं, काट देते हैं, तो फिर वापस से डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स मिल जाएगा। ठीक है, मतलब कि ये जो फॉर्म है सेम यही फॉर्म है, बस ये अलग से टी को लेके जोड़ दिए हैं। ठीक है, तो डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू डिवाइड बाई डी टी इंटू डी टी डिवाइड बाई डी एक्स। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं ना। क्लियर है? देखो, इसके लिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं कैसे इसको समझने के लिए। जैसे कि हमारे पास में है, हम फंक्शन के अंदर फंक्शन को कैसे उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे उसको देखेंगे। सबसे पहले मेरा क्वेश्चन है, हमारे पास क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, कैलकुलेट डी बाई डी एक्स, कैलकुलेट डी वाई बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स, और यहाँ पे है कॉस एक्स स्क्वायर। अभी तक हम कॉस एक्स ही पढ़ते थे, या फिर साइन एक्स पढ़ते थे, या फिर लॉग एक्स पढ़ते थे। अब हम एक्स में स्क्वायर, क्यूब, या फिर और ज्यादा पावर वाला भी अभी यहाँ पे पढ़ेंगे। तो क्या कैसे कैलकुलेट करते हैं उसको देखते हैं। देखिए, यहाँ पे हम इसके लिए सबसे पहले मान लेते हैं कि y इज इक्वल टू हमारे पास दिया हुआ है cos x स्क्वायर। ठीक है, और जो x स्क्वायर है उसको हम मान लेते हैं t। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, cos t हो जाएगा, और x स्क्वायर को मान लिए t, x स्क्वायर को हम t मान लिए। तो देखो, इसको अलग अलग पहले डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे हमें निकालना क्या है, cos x स्क्वायर y के बराबर है, तो हमें निकालना है डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स निकालना है। इसके लिए चैन रूल से हम क्या कर सकते हैं, डी वाई डिवाइड बाई डी टी इंटू डी टी डिवाइड बाई डी एक्स, ये हो जाएगा। तो इस फॉर्मूले का हम अब यूज करेंगे। तो उससे पहले हमें डी वाई डिवाइड बाई डी टी निकालना पड़ेगा, इसकी वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी, जो कि कहाँ पे है, वाई इज इक्वल टू कॉस टी है। तो कॉस टी को हम डिफ्रेंशिएट कहते हैं विद रिस्पेक्ट टू टी। इसके तो मतलब कह देता हूँ, इसको लास्ट में लिखेंगे। देखिए, इसको डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी। ठीक है, तो डी वाई डिवाइड बाई डी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस का माइनस साइन होता है, तो माइनस साइन टी हो जाएगा। ठीक है, और हमें डी एक्स डिवाइड बाई डी टी भी निकालना है, तो यहां पे हम इसको डिफरेंशिएट कहते हैं विद रिस्पेक्ट टू टी, इसको भी डिफरेंशिएट कहते हैं, या फिर इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करते हैं। तब क्या आता है, देखिए, तो इसको हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कहते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x, इसको डिफरेंशिएट किए तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू क्या, डिवाइड बाई डी टी, अच्छा, विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा, 2x इक्वल टू ये हो जाएगा डी टी डिवाइड बाई डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ऐसे होता कि डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर होता, तो इसको जब डिफ्रेंशिएट करे थे तब क्या मिलता हमें, 2x और इक्वल टू, इसका डिफ्रेंशिएशन 2x होता है, और यहाँ पे डी टी डिवाइड बाई डी एक्स, ये हो जाएगा। तो हमें मिल गया डी टी डिवाइड बाई डी एक्स और डी वाई डिवाइड बाई डी टी, दोनों वैल्यू मिल गए। अब हमारा फॉर्मूला क्या था चैन रूल के अकॉर्डिंग, चैन रूल के अकॉर्डिंग हमारा फॉर्मूला था
dy डिवाइड बाई डी एक मिनट डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई डिवाइड बाई डी टी इंटू डी टी डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी है माइनस साइन टी, और यहां पे डी टी अपॉन डी एक्स की वैल्यू कितनी है, यहां पे दिया हुआ है क्या हो जाएगा टू एक्स, टू एक्स। अब यहां तक आ चुके हैं तो अब t का मान रख देते हैं, t की वैल्यू कितनी है, हम शुरुआत में क्या माने थे t इक्वल टू, t इक्वल टू हम मान के चले थे x स्क्वायर या फिर x स्क्वायर इक्वल टू मान के चले थे t। तो यहाँ पे मैंने पहले 2x को सामने लिख लिया और साइन t की वैल्यू कितनी है x स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन समझा दो सिंपल वाला और क्लियर हो जाएगा। जगह कब पड़ा था यहाँ पे, तो देखिए कोई एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि y इज इक्वल टू log 2x प्लस 3 अगर है, y इज इक्वल टू log 2x प्लस 3 है, log x प्लस रहता तो सब दिक्कत नहीं होता, लेकिन अगर y की जगह log में 2x प्लस 3 है, ठीक है, यहाँ पे 2x प्लस 3 है तो हम उसको ही मान के चलेंगे कुछ। तो देखो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हमारा चैन रूल क्या कहता है, यहाँ पे पहले तो dy डिवाइड बाई dt निकालने बोला जाएगा, ठीक है, dy डिवाइड बाई dx निकालने बोला जाएगा, और चैन रूल हमारा क्या कहता है dy डिवाइड बाई dx इज इक्वल टू dy डिवाइड बाई dt इंटू dt डिवाइड बाई dx। इसको तब इस फॉर्म से सॉल्व करेंगे जब log के अंदर जो भी वैल्यू रहेगी वो नॉर्मल x ना हो के कुछ और रहे, साइन के अंदर नॉर्मल x ना हो के कुछ और वैल्यू रहे, जैसे भी लिए थे साइन के अंदर क्या था साइन x स्क्वायर था, cos था वैसे कि वहां पे, और उसके बाद अगर ले लेते हैं जैसे कि tan लेते हैं tan 2x स्क्वायर प्लस 3, अगर ये सब होगा तब हम चैन रूल का यूज करेंगे, अगर नॉर्मल tan x है तो चैन रूल की जरूरत नहीं पड़ेगी, साइन x है तब चैन रूल की जरूरत नहीं पड़ेगी, या फिर log x है तब चैन रूल की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, हम उसको नॉर्मल सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपको चैन रूल लगाना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, देखिए dy डिवाइड बाई dt, तो dt क्या होगा, t हम मान लेते हैं इस पूरे के अंदर जो भी वैल्यू उसको पूरा t मान लेते हैं, तो t सपोज दैट लेट t इज इक्वल टू 2x प्लस 3 इंप्लाइज दैट dt डिवाइड बाई dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम इसको डिफरेंशिएट किए विद रिस्पेक्ट टू x, तो dt डिवाइड बाई dx हो गया लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में देखो यहाँ पे हम जब इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो राइट साइड में क्या हो जाएगा 2 बाहर निकल जाएगा, dx डिवाइड बाई dx मिलेगा प्लस d बाई dx इंटू 3 मिल जाएगा, ठीक है, ये दोनों कट गए मतलब 1 आ गया 2 इंटू 1, और यहाँ पे ये इसकी वैल्यू 0 मिलेगी क्योंकि कॉन्स्टेंट को डिफरेंशिएट करने पर 0 मिलता है, तो यहाँ पे आ गया 1 प्लस 0, ठीक है, यहाँ पे मिल गया 2। अब इसके बाद में अगर 2x प्लस 3 को क्या मान लिया t, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा log 2x प्लस 3 है, 2x प्लस 3 की जगह पे 3 t आ गया, implies that dy डिवाइड बाई dt, इसको t के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करना है और t को x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करना है, याद रखना इस चीज को, t को हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x और y को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा log t के, t का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन t होता है, ठीक है, अगर log x को डिफरेंशिएट करते हैं तो 1 अपॉन x होता है, वैसे log t का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन t होता है, तो हमारा चैन रूल वापस से इस इक्वेशन मान रख देंगे। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में जब जाते हैं तो dy डिवाइड बाई dx तो हमें निकालना था, राइट साइड में क्या है dy अपॉन dt, dy अपॉन dt की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन नंबर 3 में, और इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं, ये किसकी वैल्यू है dt डिवाइड बाई dx की वैल्यू है, तो dy डिवाइड बाई dt की वैल्यू 1 बाई t इंटू dx डिवाइड बाई dt की वैल्यू dt अपॉन dx की वैल्यू, dt अपॉन dx की वैल्यू 2, तो 2 आ गया यहाँ पे, तो 2 बाई t, और t हम क्या मान के चले शुरुआत में उसको वापस रख देना, t को हम मान के चले थे 2x प्लस 3, तो 2 अपॉन 2x प्लस 3 ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर हो रहा है,
कुछ डाउट है किसी को पूछना है बताओ? नो सर। एक बार और बताओ सर फिर से। ठीक है नेक्स्ट एग्जांपल लो कि इसी को बताओ। इसी को सर। इसी को बताओ सर। ओके ये बात चैनल होता है। ठीक है आज हम चैनल पढ़ रहे हैं चैन रूल। ठीक है अगर चैनल सॉल्व करने बोला जाएगा तब इसी सॉल्व करोगे तो ये हमारा चैनल का फॉर्मूला होता है dy upon dx equal to dy upon dt into d upon dx। ठीक है मतलब बस बीच में dt का मल्टीप्लिकेशन डिवाइड किया गया। अब उसके लिए हमें dy upon dt निकालना पड़ेगा। अगर इसमें मान रखना है हम लोग को वैल्यू पुट करना है तो dy upon dt निकालना पड़ेगा तो कहीं से t लाना पड़ेगा। अब t हम मानते हैं कोई फंक्शन हमारे पास में उसके अंदर बड़ा वैल्यू है उसको हम t मान लेते हैं तो 2x plus 3 को हम t मान लिए। ठीक है इस पूरी को t मान लिए तो देखो t is equal to 2x plus 3 आ गया। अब जो t माने हैं उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। हम इस वाले इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x तो t को डिफ्रेंशिएट के dt upon dx आगे लेफ्ट साइड में और राइट साइड में 2 कॉमन निकल गया यहां से। ठीक है इसलिए 2 जो dx upon dx प्लस डी बाई डी एक्स और यहाँ पे आ जाएगा टी आ जाएगा थ्री आ जाएगा। ठीक है ये कांस्टेंट है कांस्टेंट डिफरेंशिएट करने पर जीरो मिलता है यहाँ पे एक्स को डिफरेंशिएट करने पर वन मिलता है और टू एज इट इज लिखा जाएगा। ठीक है तो टू इंटू वन प्लस जीरो इक्वल टू टू आ गया। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। देखो आगे इसमें वाई इज इक्वल टू अब लॉग टी हो जाएगा। ठीक है टी इक्वल टू मान लिए है टू एक्स प्लस थ्री। ठीक है तो y is equal to क्या हो जाएगा log t हो जाएगी इसकी वैल्यू t के बराबर है इसलिए y is equal to log t आ गया। implies that dy divided by dt is equal to 1 by t आ जाएगा क्योंकि log x को differentiate करने पर हमें क्या मिलता है log x को differentiate करने पर हमें 1 by x मिलता है वैसे ही log t को differentiate करेंगे with respect to t तो क्या हो जाएगा 1 by t हो जाएगा। यहां तक क्लियर है? yes sir। Okay. अब हम जो हमारा चैन रूल है उसे पुट करेंगे वैल्यू तो चैन रूल में क्या है dy upon dt है तो dy upon dt में कहां से निकाले हैं देखो यहां पे निकाले हैं dy upon dt इस वैल्यू को पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में और दूसरा क्या निकाले dt upon dx निकाले हैं तो dt upon dx की वैल्यू भी हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 बाय इक्वेशन पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 एंड 3। ठीक है तो dy upon dt की वैल्यू 1 by t जो हम निकाले यहाँ पे और dt upon dx की वैल्यू 2 जो हम लोग यहाँ पे निकाले हैं। ठीक है बस दोनों वैल्यू पुट कर दिए उसके बाद लास्ट में t में आंसर नहीं लाना है आपको x में आंसर लाना है इसलिए 2 upon 2x plus 3 आ जाएगा। ठीक है एक और क्वेश्चन लेता हूँ और क्लियर हो जाएगा। अभी क्लियर हो रहा है यहाँ तक? यस सर। एक और एग्जांपल लेते हैं ना इसमें हम मान लेते हैं हमारे पास है tan e to the power x चलो e to the power sin x। ठीक है e to the power sin x है हम अभी तक डिफरेंशिएट कर रहे थे सिर्फ e to the power x को लेकिन e to the power sin x को हम डिफरेंशिएट अभी तक नहीं किए हैं हमें इसमें निकालना रहेगा dy divided by dx equal to क्या होता है तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा साइन एक्स को पहले टी मानना पड़ेगा तो मान लेते हैं सबसे पहले। ठीक है लेट साइन उससे पहले चैन रूल क्या होता है उसको पहले लिखो। ठीक है चैन रूल के अकॉर्डिंग हम लिखते हैं डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डी वाई डिवाइड बाई डी टी इसको याद रखना और डी टी डिवाइड बाई डी एक्स इसमें देखो अब क्या करेंगे हमें dy upon dt निकालना है और dt upon dx निकालना है। सबसे पहले हम sin x को मान लेते हैं t। ठीक है या फिर t equal to हम मान लिए sin x। अब इसको differentiate करना है with respect to x। ठीक है याद रखना t को हम differentiate करेंगे with respect to x तो क्या मिलेगा dt divided by dx is equal to cos x मिल जाएगा क्योंकि x रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं यहाँ पे dt upon dx मिल गया और sin x को डिफरेंशिएट करने पर cos x मिलता है। ठीक है इसके बाद देखते हैं y is equal to हमें मिल जाएगा e to the power t क्योंकि sin x की वैल्यू अब t हो चुकी है तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू t तो dy divided by dt is equal to क्या हो जाएगा
ई टू द पावर टी का डिफरेंशिएशन ई टू द पावर टी ही होता है, ठीक है। तो अब देखो ये वाला इक्वेशन नंबर वन मान लेना, नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन जो वैल्यू निकला उसको पुट कर दो, ठीक है। तो डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी वाई क्वांटिटी की वैल्यू इट इज पावर टी, इट इज पावर टी आ गया, और डी टी अपॉन डी एक्स की वैल्यू कॉस एक्स, कॉस एक्स लिख दिए, इट इज पावर टी का वैल्यू क्या हो जाएगा e to the power sin x, क्योंकि t की वैल्यू sin x है, और into cos x, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया सबको? यस सर। एक क्वेश्चन दे रहा हूं सिंपल सा, उसको आप लोग बनाइएगा, ठीक है। इसमें है जस्ट उल्टा दे रहा हूं sin e to the power x, अब देख लो आप किसको t मानोगे, y is equal to, ये दिया हुआ है आपको dy divide by dx निकालना है, सॉल्व करके देखो। अगर पिछला क्वेश्चन देखना होगा तो बता रहा हूं, बताना मैं बैक कह दूंगा। थोड़ा सा बैक कीजिए सर, रूल्स देख कर। सर एक मिनट सर, क्वेश्चन। ओके सर, ओके हो गया। जस्ट इसके अपोजिट तो है क्वेश्चन, यहाँ पे इड द पावर साइन एक्स था, उसमें साइन इड द पावर एक्स है। यस सर। आ गया सर। कितना आया? e की पावर x सर। e की पावर x इनटू cos e की पावर t, उसको भी x में लाओ ना, cos e टू द पावर x होगा, ठीक है। और किसी का सबका सेम आया ऐसे कि सॉल्व कर रहे हो? ऐसे ही आया सर। आ गया ना, बन जाएगा। यस सर। सबसे सॉल्व हो गया कि सॉल्व करना पड़ेगा? सॉल्व हो गया सबसे, नेक्स्ट पे चले। यस सर। अब इसको मैं थोड़ा शॉर्ट बता रहा हूं, ठीक है। ये हमारा हो गया चैन रूल, अगर प्रॉपर चैन रूल बोला जाएगा तो इसको यूज करना। एक शॉर्ट फॉर्म बता रहा हूं इसी का, जो थोड़ा छोटे में सॉल्व हो जाएगा, इतना लंबा नहीं, कुछ नहीं करना पड़ेगा आप लोग को। देखो अल्टरनेटिव सॉल्यूशन है ये जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखो cos x स्क्वायर है यहाँ पे, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दो फंक्शन यहाँ पे दिख रहे हैं, एक cos x दिख रहा है, दूसरा x स्क्वायर दिख रहा है, ठीक है। तो इसके लिए पहले तो इसको डिफरेंशिएट करना है, जब हमें cos x स्क्वायर, तो
तो जो सामने दिख रहा है उसको पहले डिफरेंशिएट कर लो, कॉस पहले दिख रहा है कॉस को डिफरेंशिएट कर दे तो क्या मिल जाएगा हमें माइनस साइन एक्स स्क्वायर मिल जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद में जो उसके अंदर है उसको अलग से डिफरेंशिएट करो, मतलब कि डी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई डी एक्स हो जाएगा माइनस साइन एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा, ठीक है। यहां से मिल गया माइनस 2x साइन एक्स स्क्वायर, सेम आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें देखो log 2x plus 3 है, तो log 2x plus 3 हमारे पास आ दिया है y is equal to log 2x plus 3 है, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट करना है हमें विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy डिवाइड बाय dx हो जाएगा यहां पे, और log को डिफरेंशिएट जब करते हैं तो हमें मिलता है 1 upon x मिलता है, ठीक है। तो यहां पे मिल जाएगा पूरा का पूरा वैल्यू, मतलब कि log 2x plus 3 मिल जाएगा, और उसको अलग से और डिफरेंशिएट करेंगे यहां पे 2x plus 3, तो 1 by 2x plus 3 तो रहेगा ही, और साथ में 2x plus 3 को डिफरेंशिएट करने पर जैसे कि यहां पे अलग अलग करें तो हमें यहां पे इसको 2 into d by dx और x का डिफरेंशिएशन प्लस d by dx into 3 का डिफरेंशिएशन, तो 3 तो वैसे भी 0 हो जाएगा, तो 1 by 2x plus 3 और यहां पे x को डिफरेंशिएट किया तो 1, यहां पे मिला 2, 2 into 1 plus 0, तो यहां पे 2 निकला तो 2 divide by 2x plus 3 आ जाएगा, मतलब जो अंदर की वैल्यू है फंक्शन के अंदर की जो भी वैल्यू है उसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे। जैसे यहाँ पे किए थे x square को अलग से डिफरेंशिएट किए, यहाँ पे 2x plus 3 को डिफरेंशिएट किए, अब यहाँ पे देखो जैसे sin x को अलग से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, y is equal to क्या दिया हुआ है e to the power sin x, आपको कोई t भी मानने की जरूरत नहीं है, इसके बाद में डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy डिवाइड बाय dx हो जाएगा, और e to the power x का डिफरेंशिएशन e to the power x ही होता है, लेकिन x जगह sin x है तो e to the power sin x हो गया। अब उसके अंदर जो वैल्यू है sin x अलग से और है उसके अंदर में, तो d by dx sin x को डिफरेंशिएट कर दो, तो sin x का हो जाएगा cos x, तो e to the power sin x into cos x, क्लियर है, सेम आंसर आया है e to the power sin x into cos x। लास्ट वाला क्वेश्चन भी देख लो, सेम आना चाहिए ऐसा ही, तो y is equal to क्या है sin e to the power x है, तो पहले डिफरेंशिएट करें जो सामने दिखेगा, तो dy by dx is equal to sin दिख रहा है सामने में, तो वो cos हो जाएगा, cos e to the power x हो जाएगा। अब उसके अंदर की वैल्यू को अलग से डिफरेंशिएट करेंगे, तो dy dx e to the power x, और e to the power x को डिफरेंशिएट करने पर e to the power x आता है, उसको सामने लिख लेंगे, e to the power x आ गया, और cos e to the power x जो था वैसे ही लिखा गया। क्लियर समझ में आया यहां पे क्या बोल रहा हूं मैं? क्लियर हुआ? एक बार और रिपीट कीजिए सर ये वाला रूल। हाँ, जैसे यहाँ पे साइन एक्स है ना, साइन ई टू द पावर एक्स है, तो जो सामने पहले दिख रहा है साइन पहले दिख रहा है, साइन के अंदर जो फंक्शन है वो है, ठीक है, तो साइन को डिफरेंशिएट पहले करेंगे तो कॉस हो जाएगा, और जो फंक्शन है उसको लिखना ही है कॉस के अंदर, ठीक है। उसके बाद में जो फंक्शन है उसके अंदर जैसे ई टू द पावर एक्स है तो उसको अलग से और डिफरेंशिएट करेंगे टू एक्स, तो e to the power x को डिफरेंशिएट किए तो हमें क्या मिला यहाँ पे, तो cos x है ही, cos x है, इसको डिफरेंशिएट किए तो e to the power x ही मिला, ठीक है, तो आंसर वही आ गया। यस सर। ओके, एक और एग्जांपल मिले तो यहाँ पे जैसे कि y is equal to है 10 sin x, तो 10 के अंदर sin है तो पहले हम डिफरेंशिएट करेंगे 10 को, उसके बाद उसके अंदर जो बचा वैल्यू उसको अलग से साइड में और मल्टीप्लिकेशन में डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा dy डिवाइड बाय dx इज इक्वल टू dy dx और 10 sin x, तो 10 के अंदर है फंक्शन जो है तो 10 डिफरेंशिएट होगा, और 10 का क्या होता है sec स्क्वायर x होता है, लेकिन x जगह पे क्या है sin x है, तो पूरा का पूरा sin x आ जाएगा। अब sin x को अलग से और डिफरेंशिएट करेंगे, मतलब कि dy dx और sin x को और डिफरेंशिएट के जो उसके अंदर वैल्यू है उसको भी अलग से और डिफरेंशिएट करना है, तो क्या हो जाएगा sec स्क्वायर sin x और sin x का डिफरेंशिएशन cos x, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है सर। मैं एक थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन ले रहा हूं इसी से, देखो y is equal to दिया हुआ है log
टेन टू एक्स प्लस फाइव। अब यहां पे ध्यान से देखना, यहां पे तीन फंक्शन दिखाई दे रहे हैं आपको। एक तो लॉग लॉग दिख रहा है, लॉग के अंदर जो भी वैल्यू रहेगा उसके लिए एक्स है। अब दूसरा टेन दिख रहा है और तीसरा टू एक्स प्लस फाइव दिख रहा है। सभी को अलग अलग डिफ्रेंशिएट करेंगे, जैसे कि डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लॉग और यहां पे टेन। अच्छा एक मिनट रुको, लॉग को डिफ्रेंशिएट करने पर वन अपॉन टेन टू एक्स प्लस फाइव, ठीक है। लॉग को डिफ्रेंशिएट किए तो वन अपॉन एक्स मिलता है, तो एक्स जगह पे क्या आ गया टेन टू एक्स प्लस फाइव, तो टेन 2x plus 5। अब क्या बचा इसके अंदर, 10 2x plus 5 बचा, क्योंकि अभी log को differentiate किए ना कि सबको differentiate किए, सिर्फ अभी log को differentiate किए, तो जो जो बचा उसको पूरे लिख देना है, d by dx और 10 2x plus 5। अब इसको छोड़ दो 10 2x plus 5 को इधर ही, और इसको differentiate करें तो जो बचा वैल्यू, अब 10 को differentiate करने पर मिलता 6 square x, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा sec square 2x plus 5। अब उसके अंदर जो वैल्यू बचा उसको डिफरेंशिएट करना है 2x plus 5 को, तो इसको डिफरेंशिएट करने पे हमें सिर्फ 2 मिलेगा, क्योंकि 5 जीरो हो जाएगा और x 1 हो जाएगा, 2 into 1 तो वहां पे 2 बच जाएगा, ठीक है। तो मैं 2 को सामने लिख लेता हूँ, 2 सामने लिखिए, sec square 2x plus 5 अपॉन 10 2x plus 5, ये हमारा आंसर हो जाएगा। पूछना है कहीं पे, डाउट है? नो सर। सेकंड लाइन सर एक बार और। ओके देखो यहां पे क्या हो रहा है, वाई दिया हुआ है मेरे पास लॉग 10 टू एक्स प्लस 5, ठीक है। अब इसको हमें डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, हमें डीवाई बाई डी एक्स निकालना है, ठीक है। अब इसमें जब डिफरेंशिएट किए तो लॉग फंक्शन सामने भी दिख रहा है, इस लॉग के अंदर सब वैल्यू है, तो पहले हमें सिर्फ लॉग को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा ना कि दो बाकी सबको। तो लॉग को डिफरेंशिएट किए तो 1 अपॉन 10 टू x plus 5 मिल गया, ठीक है, क्योंकि लॉग x को डिफरेंशिएट कहते हैं तो 1 by x मिलता है, और x जगह पे क्या है 10 टू x plus 5 है, तो 1 अपॉन 10 टू x plus 5 आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद में 10 टू x plus 5 आ गया, अब लॉग को बस डिफरेंशिएट किया अभी 10 टू x plus 5 को नहीं किए, तो उसके अंदर जो वैल्यू है उसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो 10 टू x plus 5 को पहले उसको डिफरेंशिएट किए विद रिस्पेक्ट टू x, तो d by dx 10 टू x plus 5 हो गया, ठीक है। अब इसमें देखो, अब यहां पे आ गए तो अब 10 को डिफरेंशिएट करेंगे, ना कि ये होगा इसका फंक्शन जो है उसको डिफरेंशिएट ना करके सिर्फ 10 को करेंगे, तो 10 को डिफरेंशिएट करने पर मिलता है sec स्क्वायर 2x plus 5, अभी सिर्फ 10 हुआ है ये बचा हुआ है वैल्यू और 2x plus 5। अब 2x plus 5 को अलग से और डिफरेंशिएट करना है हमें, तो 2x plus 5 को डिफरेंशिएट करने पर हमें 2 मिलता है, 2 को सामने लिख दिया मैंने, और sec स्क्वायर 2x plus 5 upon 10 2x plus 5। रुस्तम साहू कुछ पूछना है इसमें? नहीं सर, क्लियर है सर। यस सर। सभी को क्लियर हो गया? यस सर। आप लोग सॉल्व करोगे? आपको सॉल्व करना है y is equal to दिया है e to the power x square, तो dy divided by dx आपको निकालना है। सर पहले इसमें e का निकालेंगे, फिर उसके बाद x स्क्वायर का निकालेंगे। हाँ ऐसे निकालेंगे। हाँ सर।
आ गया सर। कितना आया आंसर? ex स्क्वायर। ex स्क्वायर इनटू 2x। 2x ठीक है, सबका आ गया सेम। और किसी सॉल्व हुआ नहीं हुआ? बाकी लोग सॉल्व किए नहीं किए? जल्दी रिप्लाई करो, आगे बढ़ेंगे फिर। सेम ऐसी आंसर है सर। सेम आया ना? यस ठीक है, सही आंसर। और थोड़ा बड़ा क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसको भी सॉल्व करना। लिखो, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड, y इज इक्वल टू log cos, और यहां पे लिखते हैं e टू द पावर टू एक्स। यहां पे ध्यान देना कि चार फंक्शन दिख रहे हैं, पहला log है, दूसरा cos है, तीसरा e टू द पावर x है, चौथा 2x है। 2x भी अलग से एक फंक्शन है, उसका भी कुछ वैल्यू निकलेगा। तो पहले आप log को करना डिफरेंशिएट, फिर cos का, फिर e टू द पावर x का, फिर 2x का। ठीक है, सॉल्व करो तो बताओ कितना आ रहा है। जूम मीटिंग एंड होने वाला है ना, आप लोग ज्वाइन कीजिएगा तुरंत।